शलभमणि त्रिपाठी में असद भारतीय जनता पार्टी के नेता है, विधायक है, मुख्यमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में अश्विनी उपाध्याय है, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील है, इन्होंने वक्फ एक्ट के खिलाफ पीएएल डाली हुई है। मेरे साथ वजाहत कासमी है, जाने माने मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर है, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान है, प्रवक्ता एआई एमआईएम के। सुमैया राणा है, नेता समाजवादी पार्टी की। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, आपका अभिनंदन है। वारिस पठान, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, एक बात बताइए। देखिए अमीश भाई, दिक्कत और परेशानी ये है कि ये योगी सरकार और भाजपा सरकार एक सिस्टमेटिक रीत से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। पहले सर्वे किया इन्होंने मदरसों का, हमने कहा कि मदरसों का सर्वे कर रहे हो तो गुरुकुल का करिए, जो अनएडेड मदरसे का तो आर्टिकल 30 के थ्रू वो है, उसको प्रोटेक्शन है, आप करिए। नॉन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर का सर्वे करिए, जहां पर देखिए बच्चे किस खस्ता हालत के अंदर तालीम ले रहे हैं। अब वो हो गया तो अभी लोगों ने शुरू कर दिया वक्फ बोर्ड का सर्वे, वक्फ की जमीनों का सर्वे कराएगी सरकार। मैं कहूंगा आपके माध्यम से कि जो आदेश निकाला है ये पर से इल्लीगल है, बैड इन लॉयर। योगी सरकार को इमीडिएटली जो सर्वे का आदेश निकाला है उसको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट सिर्फ मुसलमानों का है। आप मठों का क्यों नहीं कराते, जो काफी सारी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के तहत काफी सारी मंदिर है, ट्रस्ट है, उसका क्यों नहीं सर, आपकी जानकारी है, एक 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 सामान्य जानकारी जो मैंने अभी चैनल जो होता है ना वर्क बोर्ड का, एक सेकंड बार सुनना पड़ेगा, उसके पास सारी डिटेल्स नहीं हो सकता उसके पास, मैं आपको सर्वे करने की क्या जरूरत है साहब आपको। वारिस पठान एक सेकंड, सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ जमीन है, और इसका 1995 से बड़ा ताल्लुक है, इसका 2014 से बड़ा ताल्लुक है, बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, जब 1995 में ये एक्ट बन रहा था तब आपने बोला था कि कैसे हमारे नाम कर रहे हो जमीन, ये यतीमों का अधिकार की जमीन है। नहीं नहीं, बिल्कुल सबके अधिकार की जमीन है। एक मुझे बात बताइए, बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल, तमिलनाडु के अंदर एक का एक पूरा का पूरा गांव वक्फ के नाम हो गया है, जहां पर एक 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के नाम हो गया है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सर्वे में परेशानी क्या है, अगर सब कुछ जायज है। नहीं नहीं सर, आप सुनिए ना, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ये हमारे मजलूमों का, यतीमों का, बेवाओं का अधिकार की जमीन है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, आप उसका कुछ चेंज नहीं कर सकते लीगल स्टेटस को, तो किस तरह से आप ये काम करना चाहते हो सर्वे का, वहां पे सीईओ किसने अपॉइंट किया? ठीक है ओके, शलभ रिएक्शन, उसके बाद मैं काउंट डाउन दे रहा हूं, अगले 50 सेकंड के अंदर व्यूअर्स, अगले 50 सेकंड के अंदर आंखें खोल देने वाला खुलासा। ओके, ओके, शलभ मणि रिस्पॉन्ड टू डिबेट में अमीश भाई, सेक्शन 83, आई विल कम टू ईच एंड एवरी सेक्शन। वारिस पठान, टुनाइट आई विल कम टू ईच एंड एवरी सेक्शन। Tonight I will come on each and every section and each and every year. हर साल पे आऊंगा, हर सेक्शन पे आऊंगा, जो आप बोलेंगे वो बताऊंगा, लेकिन अब से 50 सेकंड बाद बहुत बड़ा खुलासा। शलभ मणि, ये एक्ट लाने, ये सर्वे कराने की जरूरत क्या थी? मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, अखिलेश यादव और ओवैसी साहब एक ही सुर में बोल रहे हैं, हमारी जमीन खाने की कोशिश की जा रही है। AIMM कह रही है हमारी जमीन खाने की कोशिश है, जवाब ओके, लेट हिम रिस्पॉन्ड ना। इनकी जमीन, बस बिल्कुल सही कहा वारिस पठान साहब ने, बिल्कुल सही कहा, इनकी जमीन, इनको जो मुगालता है ना कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो इनकी प्रॉपर्टी है। अमीश भाई आप पता करिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को लेकर जो शिकायत है उसमें 99% नहीं, 100 के 100% शिकायतें मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। और ये जो वारिस पठान साहब बोल रहे हैं कि हमारी जमीन, यही शिकायत है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो गरीबों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, यतीम मुसलमानों के लिए, विधवाओं के लिए है, गरीबों के लिए, साधारण मुसलमान है उस पर। अरे वारिस साहब बोलने दीजिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। लेकिन कब्जा किसका है उस पर? जो माफिया है इनके, उनका कब्जा है। किसी ने होटल बना लिया, किसी ने रेस्टोरेंट बना लिए, किसी ने मॉल बना लिए, किसी ने अपना प्राइवेट स्कूल बना लिया, यानी गरीब मुसलमान के नाम पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लूटा, और उसके बाद से उस पर कब्जा किसका है? तो इनका व्यक्तिगत कब्जा है। जो ये वारिस साहब कह रहे हैं हमारी जमीन, हमारी जमीन, कोई आपकी है, हमारी जमीन नहीं है ये, 130 करोड़ भारत हिंदुस्तान के भीतर रहने वाले हर एक व्यक्ति का अधिकार जी, है जी। और जहां पर सरकारी जमीन है, मैं वापस लौट के आता हूं, लेकिन अब वक्त है इस खुलासे का। मैंने वादा किया था अगले 50 सेकंड के अंदर ये खुलासा मैं आपको बताऊंगा। हिंदू इस देश में के अंदर जितनी जमीन है, ये बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। इस देश के अंदर 2014 में
जब आचार संहिता लगी थी उससे एक दिन पहले, या फिर मैं कहूं आचार संहिता से कुछ घंटे पहले, 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का खेल देखे, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शासन आदेश जारी करा गया। 5 मार्च 2014 को बड़ा शासन आदेश जारी करा गया, और उस शासन आदेश में क्या लिखा जाता है यह जरूर सुनिएगा। आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले यह आदेश आता है, दिल्ली में 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे दी जाती हैं, उन्हें दे दी जाती हैं, जिसमें लोधी रोड, मिंटो ब्रिज जैसे वीवीआईपी पॉश इलाकों में भी जमीन दी गई। उसके बाद कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा रोड पर भी जमीन दी गई। वक्फ बोर्ड की अर्जी पर एक हफ्ते के भीतर फैसला लिया गया। आपने कभी देखा है सरकार के अंदर आप एक अर्जी लगाए और एक हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट आ जाए? यह प्रकाष्ठा थी तुष्टिकरण की, क्या यह प्रकाष्ठा थी तुष्टिकरण की, जिस पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। सिर्फ चंद घंटे पहले, यानी जब ऑफिशियली हो रहा था कि सरकार आदेश कोई नहीं ले सकती, उससे चंद घंटे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी। ये बड़ी खबर है, और इनकी कीमत मैं अप्रोक्सीमेटली लगा रहा हूं 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी, 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी। ये वो शासन आदेश है जो मेरे पास है, और इस शासन आदेश में एक एक डिटेल है, कहां कहां कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी गई। तिलक ब्रिज पे प्रॉपर्टी दी गई, इसके अलावा वेस्टर्न कोर्ट पर प्रॉपर्टी दी गई, इसके अलावा अशोक रोड, इसके अलावा कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, मिंटो ब्रिज, लोधी रोड, दिल्ली के पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी दे दी गई। और सिर्फ एक हफ्ते के भीतर, अर्जी लगाने के भीतर ये दी गई। लेकिन अभी मैं यहां नहीं रुकूंगा, मैं आपको 1995 में लेके जाना चाहता हूं। 1995 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने क्या किया था, 1995 में लेके चलता हूं आपको। 1995 में आखिरकार ये एक्ट बना कैसे था, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। 1995 के अंदर इस एक्ट को कैसे, जिसे हम कह सकते हैं पूरे एक्शन के साथ लेके आया गया, 1995 का वक्फ कानून, जिसमें केंद्र सरकार कानून को लेकर आई थी, इसी पर अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट में इसको पीआईएल डाल के चैलेंज किया है। अगर बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो वो उसकी जांच कर सकता है। अगर बोर्ड ये मान ले ये संपत्ति उसकी है तो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगर आपकी संपत्ति के ऊपर वक्फ ये दावा कर देता है कि संपत्ति उनकी, तो आपको प्रूफ करना है। ये वक्फ एक्ट 1995 मैं आपको बता रहा हूं, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तब किसी ने सवाल खड़े करे थे कि अचानक ये एक्ट क्यों आ रहा है? 1995 के अंदर एक प्रकाष्ठा हुई, और 2014 में चुनाव से ठीक पहले एक प्रकाष्ठा होती है। यह अपने आप में दो चीजें को एस्टैब्लिश करता है।